तो ये रही आपकी बुलेरो नियो, ये इसका N8 वेरिएंट है। इसके ऊपर आपको N10 मिल जाता है, जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा फीचर अलग मिल जाता है इससे। इसमें भाई आपको बहुत ज़्यादा फीचर मिलता है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कार आप लोग कह सकते हो, SUV कह सकते हो इसे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस, मेरा नाम है गौरव। तो यार सबसे पहले तो आजकल वीडियो बनाने का टाइम मिल नहीं पा रहा है मुझे, क्योंकि ऐसी थोड़ा दुकान पे भी काम हो जा रहा है और मौसम भी भाई बहुत बेकार हो गया था 2-3 दिन से। मतलब बारिश हो रही होते नहीं थी, पर ठंडा बहुत हो गया था, बिल्कुल बादल लगे थे, तो इसी चक्कर में मेरा कहीं जाना भी नहीं हो पा रहा था और वीडियो भी नहीं बन पा रही थी। तो आज जाके मौसम खुला है और मैं तो बिल्कुल अभी तैयार हो गया हूँ। तो अब दुकान की तरफ चलते हैं, और चैनल पर नए आए हो सबसे पहले तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो यार ये है ऑल न्यू बुलेरो नियो का जो एडिशन आ रहा है, उसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं अभी। भाई साहब कितने तेज आ रहे हैं, फिर आगे बढ़ा बोलो। भाई जी भाई जी भाई जी मनी प्लांट ये क्यों ब्रेक मार रहा है सेवन ट्रेन कहीं का? क्या बोला? अब तो मोड़ रहा है तो क्या कर सकते। तो यार आप लोग इसके सस्पेंशन देख सकते हो आप, मतलब काफी अच्छे हैं एक नॉर्मल कार के हिसाब से, तो यार बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप लोगों को एक गाड़ी चाहिए जो अगर वैल्यू फॉर मनी सही में चाहिए पहाड़ों के हिसाब से, तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो। मतलब इसका प्राइस सेगमेंट देख के आप लोग खुद चौंक जाओगे। अब इसका पूरा ओवरऑल रिव्यू दिखाऊंगा आप लोगों को, किस हिसाब से इस गाड़ी का फीचर्स आते हैं और किस हिसाब से इस गाड़ी में पावर आती है। कंफर्ट लेवल तो यार कार से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब इंडियन रोड्स के हिसाब से गाड़ी बहुत ज्यादा मैटर करती है, प्रैक्टिकल गाड़ी आप लोग कह सकते हो। ऐसी रोडों पर खासकर जो लोग चलते होंगे उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन आता है। मतलब तकरीबन 11-11.5 लाख रुपए में इसका ये वेरिएंट आता है। ये रहा बुलेरो नियो का N8 वेरिएंट। तो अब आप लोग चेक करो, स्पीड भी चेक करो हमारी, कम से कम 30 पे चल रहा है, और कार होती तो यार पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी जरा। ये आप रोड चेक करो, इसके सस्पेंशन मतलब इतने प्यारे हैं। अगर आप लोग ये ब्रेजा लेने का सोच रहे हो, नेक्सॉन लेने का सोच रहे हो, वेन्यू लेने का सोच रहे हो, तो इनका टॉप एंड वेरिएंट जो आपको जा रहा है कम से कम यार 13-14 लाख रुपए तक जा रहा है। और उनमें भी अगर आप लोग गड्ढों में चलोगे तो साफ अंतर चले जाता है कि कार है ये SUV है। तो भाई अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल यूज़ के लिए गाड़ी चाहिए तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। अब आपको इसका पूरा डिटेल्ड वॉक अराउंड मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, बाकी वीडियो में बने रहिए। और ये नए लोगों के साथ आ रही है, पिछली वाली का तो आप लोगों ने देखा होगा पुराने लोगों में जाती थी, और नए में क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। और इसके टॉप एंड वेरिएंट में जाओगे ना तो आप लोगों को थार वाले सस्पेंशन यूनिट मिल जाती है। मतलब कुछ एक फीचर आ रहा जो अब स्कॉर्पियो क्लासिक में भी मिलता है आपको, स्कॉर्पियो एंड में तो मिल ही रहा है, पर स्कॉर्पियो पुरानी वाली में नहीं आता था, स्कॉर्पियो क्लासिक में मिलता है। 100 BHP प्रोड्यूस करती है गाड़ी, और टॉर्क काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस करती है यार, जिस हिसाब से मतलब पहाड़ों के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मतलब अंडर पावर तो आपको कहीं भी फील नहीं होगी। तो आज पूरा का पूरा इसका ऑफ रोड टेस्ट हम लोगों ने कर दिया आप लोगों के लिए। तो जो लोग लेने का सोच रहे हैं भाई एक प्रैक्टिकल कार या फिर एक 7 सीटर अपनी फैमिली के लिए एक अच्छे बजट में, तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो। मतलब हाइट भी ऐसा लग रहा है इसमें बैठ के कि आदमी थोड़ा एकदम रूल कर रहा होगा रोड पे, क्योंकि कार में थोड़ा हो ही जाता है यार, थोड़ा आदमी बहुत नीचे नीचे सा लगता है, बैठने में भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा हो जाता है। पर इसमें भाई रोड पे एक अलग ही मतलब लेवल सा लग रहा है बैठने में, जिस साइज से प्राइस पॉइंट से इसकी गाड़ी आती है, मतलब यार बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है ये, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गई इंडिया में। तो इसका फुल डिटेल्ड वीडियो आप लोग देख लेना, चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो गाड़ी भाई तीसरे में चढ़ रही है चढ़ाई पे, मैं बिल्कुल भगा भी नहीं रहा गाड़ी, फिर भी तीसरे पे चढ़ रही है। तो टॉर्क काफी अच्छा है, और यार इसका मीटर भी आप लोग देख सकते हो, कुछ टाइप का मीटर आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी स्पीकर वगैरह भी देखेंगे इसके कैसे हैं। नीचे रे यूरिया, ऑफिस।
इसका फिर आपको 14 पड़ेगा। तो यार मतलब इसकी वीडियो हम लोगों ने बना दी है, तो इसकी वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी मेरे चैनल पे। अगली वीडियो मैं इसकी डाल दूंगा। आज तो हमारा व्लॉग बन गया काफ़ी ज़्यादा अच्छा। तो ये रही आपकी बुलेरो नियो, ये इसका N8 वेरिएंट है। इसके ऊपर आपको N10 मिल जाता है, जो कि काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा फीचर अलग मिल जाता है इससे। इसमें भाई आपको बहुत ज़्यादा फीचर मिलता है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कार आप लोग कह सकते हो, SUV कह सकते हो इसे। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है, तकरीबन 11.5-12 लाख रुपये में ये गाड़ी मिलती है। तो अंडर 4 मीटर लेंथ में गाड़ी आती है, लेकिन भाई रियर व्हील ड्राइव है सबसे मेन बात जो है, रियर व्हील ड्राइव ये गाड़ी आ रही है। इससे ज़्यादा मतलब क्या ही चाहिए, कहीं पे भी निकल जाती है भाई। साथ ही साथ पावर भी काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस करता है, 101 BHP और 260 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। मतलब हर वो चीज़ भाई, एक कार भी आपको आजकल तकरीबन 13-14 लाख रुपये, 15 लाख रुपये, 16 लाख तक की पड़ती है। ये इंडियन कार आप लोग कह सकते हो इसको, कहीं भी जा सकती है, रियर व्हील ड्राइव है भाई। अगर टॉप एंड पे जाओगे तो उस पर थार वाले सस्पेंशन यूनिट आपको मिल जाते हैं, स्कॉर्पियन वाले सस्पेंशन यूनिट आपको मिल जाता है। बाकी इसका फुल डिटेल वीडियो आप लोग मेरे चैनल पे देख लेना। बाकी वीडियो कैसे लगी और कमेंट जरूर बता देना। एक बार आप लोग गाड़ी का लुक चेक करो। तो ये रही गाड़ी, एक बार लुक चेक करो भाई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग गाड़ी है। सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है, इसका फॉग लैंप्स वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। टायर सेक्शन 215 की मिल जाती है, इसमें आपको 15 इंच के स्टील व्हील मिल जाता है। तो कमेंट में बताओ कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये। बाकी भाई नए लोगों के साथ गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और 11.5 लाख रुपए में और क्या चाहिए भाई। एक बार इसका ये भी देख लो, साउंड भी। तो भाई अब चलते हैं घर की तरफ। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो पसंद किया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।